अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाजिया खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शाजिया। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज बहुत सर्दी है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हुई है और बारिश के बाद बहुत ठंड हो गई है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी करारी सी रेसिपी जो है वो शेयर की जाए। तो आज हम बनाएंगे रेड चिल्ली स्पाइसी चिकन टिक्का। चिकन टिक्का हम बनाएंगे बगैर घी के, बगैर ऑयल के, फॉइल के अंदर। बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नहीं है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार सी वीडियो का। तो टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 किलो। आप लेग भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं। फिर दही लेंगे हम 2 टेबलस्पून, लेमन लेंगे हम 4 टेबलस्पून और टिक्का मसाला लेंगे 2 टेबलस्पून, सिरका लेंगे हम 2 टेबलस्पून और ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून। और इसके लिए ऑस्टर सॉस लिया है मैंने, ये मैं डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून। ये सोया सॉस से थोड़ा सा तीखा होता है, तेज़ होता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेमन का रस, टिक्का मसाला और अब इसमें मैं सिरका डाल दूंगी 2 टेबलस्पून। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। ऑयल भी हम इसके साथ डालेंगे। ऑयल डालने से, क्योंकि मैंने इसको फॉयल में रखना है तो फिर मैं ऑयल साथ ही डाल दूँगी। और ये ऑस्टर सॉस देख लें, बिल्कुल थोड़ा सा डालना, नहीं तो ये कड़वा सा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डाल दूंगी, दही डालेंगे इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं चिकन को इस तरह से कट लगा लूंगी ताकि मसाला जो होगा वो अंदर तक इसका इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे से इनको मिक्स करके तो मैरिनेट करके मैं 2 घंटों के लिए रख दूँगी। ये देखिए हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है। फॉयल पेपर में हम इसको लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। अब इसमें हम लोगों ने दही ज़्यादा नहीं डाला, दही इसलिए नहीं डालेंगे नहीं तो ये पानी छोड़ देगा और पानी जो है हमारा फिर वो ड्राई नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको चूल्हे पे तो नहीं बनाना। फॉयल को इस तरह से अच्छे से रैप कर लेंगे और रैप करने के बाद हम इसको ओवन में रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। इसको हम ओवन में रख देते हैं, ओवन हमारा प्री हीट था। 30 मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा कुक हो रहा है। और अब हम इसको थोड़ी सी इसकी साइड्स चेंज करके और फॉइल पेपर को खोल के हम इसको रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। अब हम इसको रखेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। ये देखें जी माशाल्लाह से पानी इसका ड्राई हो चुका है और ये जो थोड़ा सा जूसी जूसी भी इसीलिए लगता है कि इसमें ये जो थोड़ा सा लिक्विड होता है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कुक हुआ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी होगा ये चिकन हमारा, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का, आप लोगों ने पहले नहीं खाया होगा ये। चलें जी अब मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ, इसमें बोटियों को डिप करके, तो फिर हम इसमें रखते जाएँगे और बहुत ही जूसी टेस्टी एंड बहुत ही मज़े का हमारा जो चिकन है वो रेडी हुआ है। आप लोग टेस्ट कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है, बहुत इजी रेसिपी और इतनी जल्दी बन जाता है। ये देखिए इसको हम इस तरह से अच्छे से सेट कर लेते हैं और इसका जो बाकी का जूस होगा वो हम चिकन के ऊपर डाल देंगे। इससे हमारे जो चिकन के पीसेस हैं ये ड्राई नहीं होंगे, नहीं तो ऊपर से क्रस्ट इसमें आ जाता है, तो ये क्रस्ट नहीं होंगे। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी हमारा चिकन है। इसके ऊपर आप लीमू का रस जो है वो अलग से फिर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी हमारा चिकन जो है ये रेडी हुआ है। गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सैलड डाल लें, प्याज डाल लें, साथ में थोड़ी सी बंद गोभी डाल दें। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी चिकन है ये। ये देखें इस तरह से मैं इसमें थोड़ी सी बंद गोभी डाल लेती हूँ, साथ में लीमू रख देती हूँ इसके,
तो चलिए मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखें जी, अंदर से कितना जूसी है, मज़ेदार है और बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, कुकिंग विद शाज़िया। रेसिपी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।